स्टार्ट। तो गाइस आप देखिए गर्मी आ गई है और एसी सबको अपनी गाड़ी का अच्छा चाहिए, तो कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज, जब भी आप कार चला रहे हैं तो आरपीएम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट मत होने दीजिए। ऐसा मत करिए कि आप एकदम से 4-5 हज़ार आरपीएम में चला रहे हैं और फिर आप एकदम से 1,000 आरपीएम में आइडल खड़े। आरपीएम फ्लक्चुएट ज़्यादा मत होने दीजिए, गियर रेशियो परफेक्ट रखिए, एसी की कूलिंग बढ़ेगी। एयर फिल्टर जो केबिन के अंदर होता है उसको एक बार खोल के साफ कर लो, गंदा है पानी से धो के वापस लगा दो। बहुत ख़राब है, कभी नहीं बदला है, नया खरीद के ले आओ, 250 रुपये का आएगा। ग्लव बॉक्स के नीचे वो रहता है, उसको आप खोल के चेंज कर लो। तीसरी चीज़, जब आप कहीं निकल रहे हैं और आपके पास, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी है, गाड़ी बहुत धूप में खड़ी थी, दोपहर का टाइम है, तो सामने जो नंबर प्लेट के साइड में रेडिएटर वाला हिस्सा है वहाँ पे आप पानी छीट दीजिए। थोड़ा सा कंडेंसर होता है एसी का, उस पर आप पानी छीट दीजिए, चाहे बॉटल से छीट दीजिए, चाहे पाइप से हल्के प्रेशर से पानी उस पर छीट दीजिए, तुरंत आपको क्विक कूलिंग मिल जाएगी। और एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन मुझे अभी पता चला, मेरी गाड़ी में अभी मैंने कल काम किया है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट चेंज किया है और उसके बाद मेरी एसी की कूलिंग चेंज हो गई, बढ़ गई। तब मुझे अभी रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, कि एक्चुअली मेरी जो गाड़ी का रेडिएटर फैन था वो इससे पहले था ख़राब, तो वो चल रहा था स्लो, और अभी जब मैंने नया मोटर डाला है रेडिएटर में, रेडिएटर फैन मोटर नहीं डाली है, तो उसकी स्पीड बढ़ गई, जिसके कारण मेरी कूलिंग भी बढ़ गई है एसी। तो आपके साथ शेयर करना चाहता था। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी रेडिएटर फैन का मोटर बहुत स्लो चल रहा है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं।